कार्यक्रम जीवन के पल के आश्रम में बैठल सक्कू मई के श्रोता होकरण में मैं कार्यक्रम संचालक प्रदीप चौधरी की तरफ से राम राम। अब वे अपने के सुनते बटी अपने कार्यक्रम जीवन के पल श्रोता होकर हमारे कार्यक्रम के लिए अपने इनके जीवन के तीन मिनट भोगाई है, अपने के जीवन के भुलाई नहीं सकना बाट है कहानी के मार्फत हमारे कार्यक्रम में प्रस्तुत कर। यदि अपने कंधे कौन ऐसी जीवन के पल हुई जौन पल है अपने हमारे श्रोताओं के समक्ष बांटना चाहते हुए तो पत्र के मार्फत या फिर ईमेल के मार्फत अपन जीवन के पल है लिख के पठाई सक भी। अब वे मोर हाथ में एक तो पत्र पढ़ बा, ये पत्र हो हमारे श्रोता संग्रिया जानकी गाँव पालिका 5 पथरैया कैलाली से प्रतिभा चौधरी जी के। वहाँ अपन पत्र के शुरुआत ऐसी कर ले बटे। शीत के बूंदा जस्ते झरल मोर जिंदगी, दुखे दुख से भरल मोर जिंदगी, आंसू नहीं आंसू के सागर में परल मोर जिंदगी, जा जैसिन रल से फिन जीती रहे तोहार माया के बीस पी के मरल मोर जिंदगी। दादा कुछ अस्ते बा मोर जीवन के पल। दादा जीवन जीना कतरा मुश्किल रहत आस पता पैनु, जीवन जियतन का कुछ सहक पर न रहत, मोटू भर घाव लेके आंखी भर आंसू लुका के दुनिया के सामू देखावटी मुस्कान आन के खुशी बाटू कह के देखाई पड़ना, अस्त ही के जीवन जियक पड़ना रहत। शायद यह नहीं हो जीवन के वास्तविकता, शायद यह नहीं हो जीवन के पल। दादा मनई ठीके कठई बन जरत सब कोई देखत, मन जरत कोई नहीं ओठ के मुस्कान तो देखते मने, मन भीतर के पीड़ा कोई फिर नहीं देखत, बाहर से हाँसब तो बिल गेठ हैं मने वो भीतर भीतर कतरा रोईटा कोई फिर नहीं जान पैठ हैं। हाँ दादा मैं फिर केकरो माया में विश्वास कैनू, किनो सच्चा माया कैनू और सच्चा माया करल के सजाए पैनू, नुक नुक के रोई पड़ना सजाए, दुनिया ठन बनावटी हाँसी देखाए पड़ना, खुशी देखाए पड़ना सजाए, मुटु भर पीड़ा पाल के बैठना सजाए पैनू, उहे सजाए जिंदगी भर भुलाई नहीं सीखना जीवन के पल बन गेल बा, मने ई समाज के ई दुनिया के मने मोर मन के पीड़ा नहीं देखते हैं, महीने खुशी देखते हैं, काहे कि मैं ओइन उहे अपन झूठा होले से फिर खुशी देखैत हूँ, महीन हासत देखते हैं नाचत देखते हैं, मोर मन के पीड़ा कोई फिर नहीं देखते हैं। दादा ई माया का ना का होना, जब माया करबो तो ऐसी लागत कि महीन ई दुनिया के सारा खुशी मिल गेल, एक पल में सारा जीवन जी सकनू कना जस्ते लागत, और जब उहे माया में ठोखा मिलत तो ऐसी लागत कि शरीर मन से आत्मा अलग हुई गेल, सारा दुनिया के दुख पीड़ा बस मोरे नाम हुई गेल, और अपन है ई दुनिया के बोझ माने लगबो। दादा मनई कठई अपन मन के बात केकरो ठे बटेबो तो मन के पीड़ा कम हो जाए, मनो दादा यहाँ तो मोर मन के बात सुनिया कोई फिर नहीं हो, मोर मन के पीड़ा बूझ दे हुईया कोई फिर नहीं हो, मोर मन में पीड़ा फिर अतरा ढेर हो गई बाकी अब सहना बहुत मुश्किल पड़त, घुट घुट के चुप्पे चुप्पे रो लेट हूँ और अपने आप है संभरना कोशिश करत हूँ, बस वह मन के बात है आज श्रोताओं के समक्ष बांट के शायद मन के बोझ कम हो जाए, ई सोच के लिख ले बटूं। दादा मोर कहानी मोर परिवार से शुरू हुई, हमरे मोर घर में चार जाने के लिए रही, धन के धनी तो नहीं रही मने मन के बहुत धनी रही हमरे, मोर दाई बाबा और दादा और मैं हमरे सब कोई एक दूसर है बहुत माया करी, एक दूसर के ख्याल राखी, एक दूसर के मजा नहीं मजा सब कुछ में साथ दी, मैं अपन घर एक सबसे छोट रहूं, शायद तबे सकून से ढेर माया पहले रहूं, सबके मस्तायल रहूं, महीन मोर घर के मने और छिमेक के मने प्यार से फुच्ची कहें, मोर बाल्यकाल बहुत खुशी से मजे से बीतल, अस्त के समय बीतती जाए लागल, समय के साथ साथ मैं फिर भारी हुई गिनू, मैं 8 कक्षा में पढ़े लगनू, तब सब मैं कुछ जाने बूझे वाला हो से कर रहूँ, हमार घर ठन की पड़ोसी वाला दादू से हमरे संगी स्कूल जाए, दादा मिन बहुत मजा माने और बहुत माया फिन करे, वह दादा अनीसा कना लौंडी है बहुत माया करे,
और अनीशा फिर दादा है माया करे का हूँ। एक दिन मैं दादा से माया प्यार के बारे में पूछनू तो दादा कहल फुच्ची आज कहाँ से तई माया प्यार के बारे में पूछटे। मैं कहूँ जहाँ फिर ई माया प्यार के बारे में सुनठूँ और तई फिर तो अनीशा है माया करते तबे पूछनास लागल बता ना ई माया कले का हो कैसी के हुईट। तब दादा कहल जब तई किनो माया करबे तब पता पाए जीबे। तब मैं फिर से कहूँ अनि तई कैसे पता पाई लेटो कि तुहिन अनीशा से प्यार हो गिल कहके। तब दादा हंसती कहल पगली जब से अनीशा है देखनू तब से पता नहीं का है ई मौसम बहुत सुहावन लागे लागल। जब से देख ली हम ओन के ई मौसम का है सुहाना लागे। जब से देख ली हम ओन के ई मौसम का है सुहाना लागे। नदिया बदरी फूलवा तितली काहे लुभावन लागे। जब से देख ली हम उनके ई मौसम काहे सुहाना लागे। रोज अस्ते के मई दादा से माया प्यार के बारे में पूछ पूछ के हैरान करते ले रहूं। खुलिया खुलिया उहे माया प्यार के बारे में पूछूं। दादा बताए और मेहन सुनत बहुत मजा लागे। अस्ते के समय अपने रफ्तार से बिकती जाए लागल। दादू से अनीशा के बारे में पूछनू तो दादू कुछ भी नहीं बोलल। शायद वो रोज कुछ हुई रही दादा बहुत निराश बिल गए थे बहुत उदास बिल गए थे। तब हम फिर मई दादा है बोल करना कोशिश करे लगनू और अनीशा अनीशा कह के चलाए लगनू। तब दादक आँखी मन से आँस किरत देखनू नहीं अचम लागल दादक का हुई गिलीस। मई पूछनू दादा का हुईल काहे रोईते पता ना। तब दादा कहल फुच्चू अनीशा मेहन धोखा देली अनीशा दोसर लौरा है माया करती वो लौरा धनी घरे खो शायद तब मारे मोर जैसिन गरीब घर के मनन से दूर हुई के लिए। फुच्चू हेर ना सच्चा माया करल के उपहार मिलल महिन ही आंसू। फुच्चू तई मजा से पढ़ीस तई किकरो माया के जाल में नहीं फंसीस। सच्चा माया करबो तो चोट पीड़ा धोखा अलावा कुछ भी नहीं मिलत। ये दुनिया बहुत जाली बा इस संसार बहुत जाली बा। सब कोई अपन बारे में सोचते हैं सब कोई अपन स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। खई जिन जा सही लगथिन वह कर देते हैं। एक पल में मन करथिन तो माया के नाटक करते हैं और दूसरे पल में वह प्यार में धोखा धोखा देते हैं। अस्ते बरबरीती दादा चल देहल महीन दादक आंसू देख के नहीं मचा लागल। उ दिन से मैं हर केकरो माया हेरे लगनू हर एक प्रेम जोड़ी है लगे से विचार करे लगनू। मैं तमान माया करुए मन हेरनू मने अत्र धेर माया करुए मन से केकरो फिन सच्चा माया नहीं देखनू। कोई केकरो रूप रंग हेर के माया करे तो कोई केकरो धन संपत्ति हेर के माया करे। अगर कोई सच्चा दिल से प्यार करे अगर कोई पूरा दिल से किनो मजा मान के माया करे तो होकर बखरा में सिर्फ आंसू पीड़ा और तड़पाहट छटपटाहट के देखनू। यह सब कुछ छोटे से देखले कारण हुई मैं अब माया में विश्वास नहीं करूं। माया से नफरत जैसी हो गिल रहे मोर में मोर दिमाग में ऐसी भर गिल कि माया का ना बस सिर्फ चोट पीड़ा और दुख देख लगकिल बनल रहट। वह मारे मैं अपन जीवन में कबू फिर माया नहीं करम अपन परिवार के मन परल जीवन साथी बने कह के सोच ले रहूं। मनु कठई नहीं जा हुई ने रहत हु के छोड़ समय अपन गति से चलती गिल और मैं 10 कक्षा पास हो के अपन परिवार के सलाह अनुसार टीकापुर वीरेंद्र विद्या मंदिर कैंपस में पढ़े लगनू। वहाँ नया संगरिया नया ठाँव रले कोर से मजा नहीं लागे और डर जस्ते लागे
एक दिन मोर संघरिया महीन अकेली छोड़ के बाहर घूमे गई नहीं। उमई अकेली अपन बेंच में बैठल किताब पढ़ता हूँ। तब वहीं एक ठो अनजान लौरा मोर थे आके का पढ़ तू कह के कहल। मई नहीं मजा से कह दे नहीं देख ठो किताब पढ़त। महीन पता फिर नहीं रहे कि उ लौरा मोर कक्षा में पढ़त कह के। तब एक दिन फिर से उ लौरा मोर नाम पूछल। मई नहीं बतैनू मनु पता नहीं कैसे के उ मोर नाम पता पा सकले रहे और सारा क्लास भर मोर नाम ले ले के बोलकारे लग नहीं। तब मई का कहतो का काम बा बताओ कहनू तो उ चुपचाप हुई गल। दादा महीन तो उ लौरक नाम फिर पता नहीं रहे। तब एक दिन उहे लौरा है अपन संग्रहन से बात करत सुनू। उ कहते है कि प्रतिभा है मैं माया करत हूँ। तब हुकार संग्रिया उ लौरा है राकेश कह के कहते हैं। तब पता पैनू कि ओकर नाम राकेश हुई कह के। अब महीन बहुत डर लागे लागल। एक दिन राकेश मोर आगे आके चुटका फकई नहीं। ओमने लिखल रहे प्रतिभा तू बहुत दामी बटो बहुत सुखर लिखल रहे। महीन वो रोज रीस तो नहीं लागल मनु रिसाइल जस्ते कर देनु और राकेश के आगे जाके इके लिखल कहटी फेंका देनु। ई सोच के कि राकेश है दीक लगहिन और महीन माया नहीं करही महीन से दूर हुई ही महीन है नफरत करही कह के मैं वहीं से अली गलत व्यवहार देखनु मनु असफल हुई किनु। राकेश महीन कुछ फिर नहीं कर नहीं और तो उल्टा हाँस दे नहीं। तब हुन लागल कि अब तो महीन देख के रीस जरूर लागत हुई हिन काहे कि मैं अब हुन फेंकार संग ऐसी व्यवहार करती हूँ कि ताकि वो महीन है हेट करें नफरत करें महीन से। दादा उ रोज से राकेश कैंपस नहीं आए लग नहीं। हुकार संग्रहण से पता चलल कि अब राकेश नहीं पढ़ रही राकेश पढ़ाई छोड़ दे नहीं। अब लागे कि मोर कारण राकेश पढ़ाई तो नहीं छोड़ दे नहीं। तब एक दिन अचानक राकेश फिर से कैंपस में देखा पड़ नहीं। हाँ दादा उ दिन वैलेंटाइन डे यानी कि प्रेम दिवस के दिन रहे। उ दिन मैं कैंपस जीना नहीं चाह के फिर जाए पढ़ना हुई गल। मोर संग्रिया मोर बैग में अपन किताब धार दिले रही और फोन करके जैसे फिर आइक कली। तब मैं उ दिन कैंपस में गिनूँ वहाँ गिनू तो हर एक के हाथ में गुलाब के फूला देखूँ सबके मुँह मन से माया प्यार की गिल बात सुनाता हूँ और अचानक पढ़ाई छोड़ल मने राकेश उ दिन कैंपस में आयल देखनू। राकेश से देखनू तो डर जैसन लागल और राकेश मोड़ते आके गुलाब के फूला देती कुछ कहे जाए नहीं। तब मैं साफ साफ कह देनू और कनू राकेश ओहर हेरो अत्र सुगर सुगर लौंडिन बाटई वही नहन ये फूला देहो महीन नहीं। तब राकेश कने ठीक है बा नहीं कह तो मनु ये फूला तो ले सकबो तभी फेन से संग्रह नाता से देह पोटो लेम नहीं तो नहीं लेम कहनु। तब राकेश ठीक है बा फ्रेंड कहने और वहाँ से चल गई नहीं। मैं घरे आईनू तब मोर संग्रहन कैंपस के बाद पूछे लगने। तब मैं अपन संग्रहन अपन साथ जा कुछ हुई सारा बात बटीनू। तब मोर संग्रहन कने प्रतिभा तू गलत कर लो उदिन किन्हों फिर नाई कह के नहीं कहे परट। तब मैं फिर से कहनू मैं केकरो मन दुखेना नहीं चाहूँ यदि मैं उ दिन राकेश से माया नहीं कर ले से फिर हाँ कटूँ और दूसर दिन नहीं कह के कटूँ तो काम ही सही करतूँ। तब मोर संग्रहन का नहीं हाँ प्रतिभा तू ही सही बाटो मनो सबके माया झूठा नहीं रहत मोर सलाह अनुसार शायद राकेश तुहिन सच्चा माया करत हई तू फिर एक जो राकेश के माया में विश्वास करके हेरो कह नहीं। मैं अपन संग्रहन के बात सुनू और सोचनू हाँ शायद राकेश मीन सच में माया करत हुई मनु मैं माया में विश्वास नहीं करत हूँ एकर मतलब ये तो नहीं हो कि मोर जस्ते कोई फिर माया नहीं करे राकेश चेहे जिहिन माया करें लेकिन माया करना पूरा हक आटिन सोचनू और राकेश है सॉरी कहते राकेश के ठे फोन करनू। तब राकेश फोन उठाई नहीं और कहने के हुई तो मैं कहनू अपन फ्रेंड है नहीं चिन्ह लो। तब राकेश कहने काहे नहीं चिन्ह हम तू प्रतिभा हुई तो ना। तब मैं हाँ कहनू और कहनू राकेश सॉरी मैं तो हर बहुत मन दुखेनू। तब राकेश कहने प्रतिभा महीन नहीं कना के कारण जाने से कम। तब मैं कहनू राकेश मैं माया में विश्वास नहीं करता हूँ
मैं तुहार तो का केकरो फिर गर्लफ्रेंड बनना के लायक नहीं हूँ। तुहार लग कोई और कोई बनल हुई जे बहुत सुघर हुई, जे बहुत मजा हुई। तुहिन से ढेर तुहिन ही माया करी, उ सबसे अलग हुई। मैं ओतरा काबिल नहीं हूँ राकेश। तब राकेश का नहीं बस बस हो गिल मनो प्रतिभा, मैं तुहिन मन से माया कर लाटू सच्चा मन से। और तू ऐसी कहटो प्रतिभा, तू माया प्रति अतरा नफरत कहना के कारण बताई सकबो। तब मैं कनू माया में धोखा मिलट, पीड़ा मिलट, जीवन भर भुलाई नहीं सकना जीवन के पल बनट। और मोर में इस सब कुछ सह सकना ताकत नहीं हो। अपन माया में विश्वास दिलेठ हई और एक पल में वो विश्वास टूट देठ हई, मन भर पीड़ा दे देठ हई, झगड़ा खेलत हई, एक दूसर के मन दुखेठ हई। महीन ऐसी प्यार में नहीं फंसना हो राकेश, महीन ऐसी प्यार के पाछे नहीं पड़ना हो। तब राकेश का नहीं तू झगड़ा खेल है कलो ना प्रतिभा, एक जो इनके माया है लग्गे से जाके तो हेर हो, तब वो देखो वो इनके माया, वो इनके एक दूसर के प्रति करल व्यवहार, एक दूसर के प्रति करल ख्याल, तब जाके जान पाइबो। आस्ते आस्ते बात करती हमरे कुछ घची बिटा दिली, वो महीन मनैना कोशिश करता है, मैं अतरा जल्दी मन्ना शायद मन नहीं रहे। आस्ते आस्ते में वो फोन ढार दे नहीं। दादा ये सब बात सुन के फिर से मैं माया के खोजी करे लगनू। ओकर बात के असर मोर मन में कुछ कुछ कर दे ले रहे, मोर दिमाग अब ओकर बात पर घूमते है, मोर दिल ओकर बात के कारण से कुछ कुछ ज़्यादा ही धड़के लागल रहे। और राकेश के कहल अनुसार विचार करे लगनू, तब जाति से राकेश सही का नहीं कना दस्ते लागे लागल। मैं राकेश से रोज हंस बात करे लगनू, अब महीन ओकर बात सुनत मजा लागे लागल। ओकर मुँह से निकल हरेक बात महीन प्यारा लागे लागल, ओकर मुँह से निकल हरेक बात सही लागे लागल। मैं वहीं से बात करती रहूँ और ओकर लग्गे चल जाऊँ, वहीं हेरती रहूँ कहना हंस लागे लागल। मोर मन में आस्ते आस्ते ख्याल आए लागल, तब मारे वह सब कुछ ख्याल के कारण से फिर सोचूं, कहूँ मोर दिल है कुछ हो तो नहीं गिल बा, कहूँ महीन प्यार तो नहीं गिल बा, पता नहीं कहाँ हेरा गिल बा मोर मन। ये मौसम बहुत सुहावन लागत, काहे दिन फिर रात जस्ते लागत, घाम फिर सितर जस्ते लागत। ऐसा क्यों होता है बार बार, क्या इसको ही कहते हैं प्यार। मेरे दिल को ये क्या हो गया, मैं न जानूं कहां खो गया, क्यों लगे दिन में भी रात है, धूप में जैसे बरसात है। ऐसा क्यों होता है बार बार, दादा
राकेश के बात सुनके मैं फिर अब माया में विश्वास करे लागल रहूं। माया से नफरत करना मने अब माया करे लागल रहूं। तब एक दिन राकेश फिर से कने, प्रतिभा मैं तुहिन बहुत माया करत हूँ, एक चो हाँ या ना कह दो। तब मैं कुछ फिर नहीं बोलूँ। तब राकेश कने, जत्रा समय लागी तुम्हार जवाब ऐना, मैं आश्रम में रहम। तब मैं कनू 5 वर्ष लागी, मजाक करती कहनू। तब राकेश कने, हाँ मैं 5 वर्ष तो का 10 वर्ष सम तुम्हार आश्रम लागे से कम। और अस्ते अस्ते में बात करती करती फिर से हमार फोन कट गिल। दादा मैं सोच में पड़ गिनू, का सही का गलत कुछ फिर समझ नहीं पाए लगनू। मैं ऐसी के सोच में पड़ गिनू कि कुछ फिर समझ में नहीं आया लागल। महीन ओकार बात मन पड़े, ओकार संग बात बटोईना मचल आगे, ओकार हर एक बात सही लागे, तबे उ सही आटे कन हंसफे लागे। एक और अपन मन के उहे प्यार में पैना दुख पीड़ा के डर, उहे सब कुछ के कारण अब मैं कन्फ्यूज जस्ते हो गेल रहूँ। मैंने उहे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन में मैं एक ठो अंतिम निर्णय में पुगनू और फैसला करनू। अब राकेश के ठे बतीना से पहले अपन परिवार के ठे बटेनू कि मैं राकेश से मन पर ऐठूँ। यह बात मैं अपन परिवार के मन ही बटेनू। तो मोर परिवार के मन ही कहने कि इडी तई किनो अपन जीवन साथी बनेना सोचले आटे तो हमरे का कही। मनुफुच्ची, माया करना कोनो गलत बात नहीं हो, मनु माया में गलत डगर चुनना गलत बात हो। और हमार तौर पर पूरा विश्वास बा कि तई गलत डगर नहीं रोसले हुई बे। दादा मैं अपन परिवार के बात सुन के बहुत खुशी हुई किनू और राकेश के ठे फोन करनू। तब राकेश कने, प्रतिभा का फैसला कर लो, का कहो हाली कहो ना। तब मैं कहनू, राकेश मैं तुहिन बहुत माया करत हूँ, मैं रात दिन बस तुम्हारे ख्याल में डूबल रहूँ, तुम्हार कहल बात है सोचती रहूँ, तुम्हार कहल हर एक बात मुर मुटू में जाके लागत, हर एक बात है मैं दोहरिया दोहरिया के सोचत हूँ, शायद मैं तुहिन्हें बहुत माया करत हूँ। हाँ मैं माया से नफरत करूँ, मन तुम्हार माया मेहन माया में विश्वास करे सिखा दिल। राकेश पहली बार मैं तुम्हार माया में विश्वास करूँ, मोर विश्वास कबू फिर नहीं टूर हो ना। तब राकेश का नहीं, कबू फिर नहीं टूरम। दादा राकेश फिर हमार माया के बारे में बते नहीं, अपन परिवार के थे। तब ओकार परिवार फिर तोर खुशी तो हमार खुशी कह के कनिन का हूँ, मनो महीन है देखना चाहत हिन। मने राकेश ये बात मोर थे बहुत पाछे बटे नहीं। दादा अब मैं बहुत खुशी रहूँ, ऐसी लागे जैसे कि महीन मोर जिंदगी के सारा खुशी मिल गई। कोनो पल माया में विश्वास नहीं करूँ और अब राकेश के माया में अतरा ज़्यादा माया और विश्वास करे लगनू कि हद से ज़्यादा। मैं सोचूँ माया में तो अतरा खुशी मिलट, एक दूसर के साथ मिलट, मैं किसी के माया से अतरा नफरत करता हूँ, किसी के माया कन चीज से अतरा दूर भागत हूँ। प्यार अतना प्यारा रहत तो फिर मैं वह प्यार से अतना दूर काहे जाए रहूँ। दादा मैं अपन है सबसे भाग्यमानी थानू कि मैं राकेश जैसी मने है अपन जीवन साथी रोजनू। मैं माया की दुनिया में रमायत हूँ, शायद मोर जीवन के अब सबसे भारी दुख यह माया बनना रहे। तब ये हुई एक पल में संहारे नहीं सीखना खुशी मिलते है, मनो महीन पता ही नहीं रहे ये खुशी के पाछे अतरा भारी दुख छुपल बा। और कठिनी जब दशा लागत तो लगती जाए। हाँ दादा राकेश के दीदी भोज हुई थी हिन, बस राकेश अपन दीदी भोज के तैयारी करके बहुत दूर काम करे चल के नहीं। और यहाँ मोर 11 क्लास के परीक्षा आ गई और ओमनी ही मई बेराम पर किनू। राकेश उतरा दूर जाके मोर थे फोन करें और पूछें का कर दो। तब मैं जब फिर सूटल बाटू कह के कहूँ और बेराम बाटू कह दूँ और हंसते कहती हंस दूँ। राकेश मोर बात पर विश्वास नहीं करें, शायद मैं हंसले कारण हुई, उ महीन बेराम मन भी नहीं करें और जा पाई ता कहे ला गई। वो कुछ ऐसी बात कह दी जोन बात सुन के महीन नहीं मजा लागे। हंसते के समय बीती गिल, इस सब के कारण मैं बहुत कमजोर और नहीं मजा देखाए लगनू। राकेश जब फिर फोन करें मोर मन दुखेना बात किल करें। एक दिन राकेश फोन करके कन्हैं, प्रतिभा मोर घर तो हेरे जी हो, मोर घर बहुत छोट बा, झोपड़ी बा,
पाछे कबो काहे ऐसी घर अहिनु कहके तब मैं राकेश से कनु जरूरी नहीं हो मैं तुहिन माया कर ले आटू तुहार घर है नहीं। तब राकेश कने जरती तब मैं कनु कसम कसम से तब कहलगनु कसम से राकेश मोर दिल दिमाग सब कुछ तुहार पर बा मैं तुहिन है माया करत हूँ सिर्फ तुहिन है तुहार नजर मोर दिल है चोरा से लेवा तुहार माया मोर माया जीत से लेवा चुराया है तेरी नजर ने मेरे दिल का सब रो करा चुराया है तेरी नजर ने मेरे दिल का सब रो करा चुराया है तेरी नजर ने मेरे दिल का सब रो करा चुराया है तेरी नजर ने। दादा समय अस्ते की बीतती के एक दिन राकेश के घर एक मने अपन घर बुलाए थे। तब मैं राकेश से कहूं तुम्हार घर एक मने महीन बुलाए थे जाऊं कि नहीं। तब राकेश कने प्रतिभा मोर घर एक मने तुहिन देखना चाहते हैं काहे कि तुहिन से बात कह के तुहिन से भेंट कह के किल हमार माया है अपने ही काहुन। राकेश अतना कने तो मोर मन में चोट लागल मैं कनु अतरा ढेर दिन सम काहे ई बात में नहीं बटेलो। तब राकेश कने यदि मोर घर एक मने नहीं कह दही तो नहीं रिसे हो ना नहीं दुख मन हो और मोर परिवार के मने जा कहीं ही ऊ मोर कहल सोच हो। तब मैं कनु कहा तुम्हार परिवार नहीं कह दही तो तू फिर नहीं कह देबो। तब राकेश बहुत मजा से हाँ कहते नहीं। दादा ये बात सुनो तो मेहन बहुत दुख लागल और राकेश के घर अपन माया के परीक्षा दे जीना निर्णय करनू मोर परिवार फिर मोर साथ देने कहने जा तई जीना चाहते तो मजे से जा। दादा राकेश के कहल बात मोर दिमाग में घूमती रहे मैं राकेश के घर जिना डगर फिर नहीं जान लगूँ मनो हुकार दीदी से फोन में पूछट पूछट राकेश के घर पुग गिनूँ वहाँ पुगनू तो हुकार घर के मने हुकार बतायल से बहुत मजर रहन महीन बहुत दुख लागल। मैं राकेश महीन से झूठ काहे बोलने कह के सोचे लगनूँ कि मोर माया स्वार्थी ठन ले रही या फिर मोर परीक्षा ले रही अस्ते सोचती रही किनू। दादा राकेश के परिवार बहुत मजा रही हुकार दीदी बहुत मजा रही और बहुत सुखर फिन रही हुकार परिवार राकेश की खुशी तो हमार खुशी कह के कने मैं बहुत खुशी हुई किनो और घरे आई किनो मोर घरे और मोर छिमेक के मने वहाँ का हुईल का कहने कह के पूछे लगने मैं कनू हुकार घरे मने तो बहुत मजा आ किन कुछ फिन नहीं कने सब कुछ मजे बात बटोई नहीं। अब राकेश का कठाई कह के कनू दादा मैं बहुत खुशी रहूं राकेश के परिवार अतरा मजा बातें कह के। तब राकेश फोन करने और मैं इनसे बात बतवाए लगने कहे लगने प्रतिभा मोर घर एक मने नहीं कह देने दादा राकेश है महीन से छुटकारा पैना रहीन और अपन परिवार के बहाना बना के कहे लगने कि तू जब से मोर गांव गिलो तब से मोर संगरिया तुहिन देखने और महीन फोन कह के मोर मजाक उड़ाई नही कहते हैं कि राकेश की गर्लफ्रेंड तो मरे मरे बटीस और कहते हैं कैसी के ऐसी लौंडी है मन पर ले बा प्रतिभा तू ही कहो ना कि मोर लग कोई और जो बनल हुई बहुत सुखर बहुत मजा। हाँ प्रतिभा महीन उहे कोई और मिल गिल बाटें अतरा सुनो तो मोर आँखें मन से आंसू गिर गेल और कुछ फिर समझ में नया लागल कि राकेश ऐसी बात काहे करते फूफे अचानक मोर कुछ फिर समझ में नहीं आयल कि मैं उन से का बात करूं ओकार कहल ओकार करल बात के ऊपर प्रश्न ही प्रश्न करूं या फिर मुस्कुरा दूं मैं कंफ्यूज हुई किनू और आँखी में आंसू ले ले उन से बात नहीं आ लागल तो कहनू खा वो लौंडी नाम जाने से कम। तब राकेश का नहीं ओकार नाम रितु हुईन वो बहुत सुखर बाटी तब फिर से कनू राकेश काऊ मैं से ढेर तुहने माया करती तब कहने की हाँ बहुत माया करती हेरो ना अब फिर फोन करती
करती प्रतिभा, हमार बीच जागृत फिर हुई एक ठो सपना समझ के भूल जी हो। अब मैं धारत हूँ, रितु फोन आई था हतरा कह के फोन धार देने खतरा सहजे से कह देने कि सब कुछ बिसरा दे हो, मैं कोई और है माया करत हूँ। अरे अगर माया कोई और ही करत हो तो मोर संग का करत हो, अगर तुम्हार जिंदगी में कोई और रहे तो मोर संग माया के मजाक काहे करता हो। कामोर यह गलती रहे कि मैं नहीं सुघर मिल गई हूँ, या फिर तू इन्हें कोई महीन से सुघर मने मिल गेल। बहुत दुख लागल राकेश जब तू ऐसी कलो, और वहीं से ज़्यादा दुख तो तब लागल जब कहलो कि महीन से ज़्यादा वो तो इन्हें माया करती। अरे नाई राकेश, शायद ये दुनिया के कोई भी मने महीन से ज़्यादा तो इन्हें माया नहीं करी सी की। और मन में जतरा माया बा वतरा माया तुम्हार लग ये दुनिया की केकरों पे मन में नहीं हुई। राकेश तू गलत आटो, तू हर बात में सही हुई वो तुम्हार हर बात सही हुई, मने ये बात पर तू गलत बटो, ये बात पर तू गलत आटो कि महीन से ज़्यादा कोई और से तुहने माया करत हुई। राकेश पल पल में मैं तो सिर्फ तुहने के माया कर लिया आटू, हर पल में बस तुहने की याद कर लिया तो तुम्हार केवल तुम्हार के परखाई में बैठल बाटूँ, तुम्हार आश्रम में बैठल बाटूँ, तो कैसी के महीन से ज़्यादा तुहन कोई और जे माया करे से की। शायद ओकर माया माया हुईस मने महीन लागत, होकर माया में स्वार्थ हुईस, मोर माया निस्वार्थ रहे, और एकर परीक्षा तो मैं देले फेन रहूँ। तू कहले रहो मोर घर जय हो, मोर घरेक मने जा कहीं ही ओए हुई, मैं कही नू तुम्हार घरेक मने फे सब कुछ मजा बका नहीं, सब कुछ मजे से बटे नहीं, खोट तो तुम्हारे मन में रहे राकेश, छुटकारा तो तू ही चाहते हो महीन से, तभी तो मोर माया के परीक्षा लेट हो। मैं पास पे हुई नू, मैं अपन वो परीक्षा में पास तो हुई नू, मने जिंदगी में फेल करा दिलो, जान जान के फेल करा दिलो। दादा खतरा मजा से राकेश कह देने की भूल जाए वो महीन है, खतरा आसान रह का किनो माया करना और भूल जीना, अतरा आसान रह का केकरों में विश्वास करना और वो विश्वास में पायल धोखा है तरह जल्दी भूल जीना। राकेश तू महीने अपन माया में विश्वास कर सिखा के एक पल में छोड़ के जल दे लो, महीन भुलाई सेक ले लो, मने मैं कैसी के भूल जाऊँ। तू मोर संग गेम खेलत हो, तुम्हार जिंदगी में कोई और फिर है, तू कोई और ही माया करते हो, जबरदस्ती महीन से माया के नाटक करते हो। राकेश यदि तू ये बात सुन थी बो तो बिनती बा, मोर जस्ते कोई और केकरो जिंदगी संग खिलवाड़ नहीं करो, माया के नाम में कोई और से मजाक नहीं करो, माया करना अतरा सहजे नहीं रह, जे सच्चा माया कर ले रहत, जे दिल से माया कर ले रहत, उहीन से पूछो माया करना का हो। तुम्हार लग तो माया सिर्फ बाहरी रूप रंग हेर के करना चीज हुई, तुम्हार लग माया सिर्फ सुंदरता से करना आकर्षण हुई, मने मने माया शायद ऊ नहीं हो राकेश, माया शायद ऊ नहीं हो जोन तू सोचत हो, जोन तू करत हो, जोन तुम्हार तुम्हार दिमाग में बा, माया तो जे कर ले रह वही पता रह। तू मोर जिंदगी से तो खिलवाड़ कर लो, मने कोई और की जिंदगी से नहीं करो, यदि तुम्हार जीवन साथी खूबसूरती कोनो दिन में कोनो कारण बस कमी आ जाए तो हुकार साथ नहीं छोड़ो, क्या है कि जब कोई साथ छोड़त ना तो बहुत पीड़ा हुई, बहुत छटपटाहट हुई, मैं छटपटाए तू राकेश, मैं तड़पटूँ, मैं तुहिन से बोले फिर नहीं सकूँ, बटवाए फिर नहीं सकूँ, मने अकेली में रो लेठूँ, मने के थे जबरदस्ती बनावटी हाँसी देखूँ, मने जब तुम्हार बाट उठत, जब हमार बाट उठत, तब आँखें मन से आंसू गिर जाए, जबरदस्ती वो आंसू है कोनों में नुका लेठूँ, और बात बतवेठूँ कि मोर आँखी में कचरा पेल गिर बा, मने सांस तो ये हो कि पल पल में बस मैं तुहने याद करती रहूँ, ऐसी छटपटी ना अवस्था में छोड़ दिलो तू महीन है, तू महीन है बहुत पीड़ा दे ले आटो, बहुत बहुत पीड़ा हुई राकेश ये मन में, आज मैं जिंदा तो आ तू मने जिंदा लाश जस्ते बटूँ,
तुहिन भुलाई ना कोशिश करतु मने भुलाए नहीं सकतु। काहे कि तुम्हार संग के उ सारा पल मोर जिंदगी के एक थो ऐसी पल बन गिल बा जौन कबू फे भुलाए नहीं सकम। कबू अपने आप ही दोस्त देतु, कबू तुहिन है दोस्त देतु, तो कबू हु पर भगवान है दोस्त देतु। शायद शायद वह भगनवा ये सब कुछ तो लिख ले रहा हुई मोर किस्मत में, तबे तो मोर महीन जिंदगी के कोई फिर दुख नहीं देर भगनवा मने महीन यह माया के सजाए काहे दहल। राकेश तू जहाँ फिर रबो खुशी रहो हो, मैं अब जहाँ फिर बटूँ सहीसिन पे बटूँ, खुशी हुई ना कोशिश करती बटूँ। थैंक्स राकेश, माया के वास्तविकता से परिचय करा दिलो। दादा अब तो बस ये दिल से हर किनो कहती रहूं, प्यार नहीं करो, प्यार नहीं करो, प्यार बहुत जोर से रुआए। प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है। श्रोताओं के अब्बे अपने के सुन ली हमारा श्रोता संग्रह प्रतिभा चौधरी जी के लिखल जीवन के पल की कहानी। यह कहानी के संगे हमारे कार्यक्रम के समय फेवरा लागल। यदि अपने युगन थे कौन ऐसी जीवन के पल हुई जौन पल है अपने हमारे श्रोताओं के समक्ष बांटना चाहते हुए भी, तो पत्र के मार्फत या फिर ईमेल के मार्फत अपन जीवन के पल है लिख के पठाई सीख भी।